तो फाइनली अब शाम की जो पार्टी है दुल्हा दुल्हन की यहाँ पे, तो वहाँ पे पहुँच चुका हूँ मैं, वो मैं अपने फ्रेंड के साथ, तो देखते हैं यार अंदर क्या है। तो फाइनली जो ये सेरेमनी है, शाम को पार्टी होती है यहाँ पे, वहाँ पे पहुँचे हैं हम। पार्टी तो अभी शुरू हुई है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मेहमान आ रहे हैं, लगता है इंडिया की तरह। यहाँ पे भी शाम को जो रिसेप्शन है, रिसेप्शन पार्टी है ये एक तरह से, तो रिसेप्शन पे पहुँचे हैं, बड़ा शानदार माहौल है, देखते हैं अंदर जाके। देख रहे हैं ये रिसेप्शन पार्टी आज की, बड़ा ही मज़ेदार नज़ारा है। शाम की रिसेप्शन है, लोग यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं, 300-400 के करीब गेस्ट हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग है ये फंक्शन, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक दूसरे को ये पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, सब कुछ वही है जैसे इंडिया में होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे, वही इन्होंने पैलेस बुक करवाया हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ टेबल लगे हुए हैं, और लोग उसके पूरे फ्रेंड्स और फैमिली उसके बाहर टेबल्स पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे टेबल्स बुक होते हैं, तो पहले इनविटेशन होना चाहिए तब टेबल मिलता है उस हिसाब से, तो अभी बैठे हैं यहाँ पे। We'll be right back.
nỗi thăng trầm trong cuộc sống để xin nguyện cứu cho họ trong cuộc nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng ngon. Và còn bây giờ thì xin được mời chú rể của một cô dâu quay trở về vị trí trung tâm sân khấu và để bày tỏ lòng hiếu kính đến các đấng trên thành. Ngay sau đây chú rể sẽ cùng với cô dâu dâng lời hiếu kính đến đại diện hai bên gia đình. Sẽ cùng tiến lên phía trước một chút để cùng chào duyên nhau để tình thông gia thêm phần thắt chặt bền lâu. Và còn chú rể với cô dâu sẽ cùng hoàn tay nhau và bắt đầu nghi thức uống rượu giao môi. Và xin được mời tất cả quý vị sẽ cùng nâng ly thật cao và hôn thật to sau màn diễn đến cô Thanh Thái. Một inside that I can't ignore. Oh, I